सारी भारत सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, पिछली सरकारों ने शिलान्यास कर दिए उनको लोकार। बरेली में राजस्व मंत्री ने गन्ना उत्पादक महाविद्यालय में कृषि संकाय भवन का शिलान्यास किया। इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चुटकी लेते हुए कहा कि कृषि संकाय भवन का पहले ही शिलान्यास हो चुका है। आपको बता दें, कृषि संकाय भवन का शिलान्यास नगर के गन्ना उत्पादक महाविद्यालय में राजस्व राज्य मंत्री छतपाल गंगवार ने शिलान्यास भूमि पूजन कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि बहुत जरूरी है, कृषि जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। इसलिए ज्यादा लोग कृषि विभाग में दाखिला लें। पत्रकारों से बात करते समय राजस्व मंत्री छतपाल सिंह का लहजा उखड़ा उखड़ा नजर आया। कृषि संकाय भवन का पहले भी शिलान्यास हो चुका है। समाजवादी पार्टी के इस आरोप के जवाब में उन्होंने कोई जवाब न देते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासन से पूछो। जब पत्रकारों ने लागत के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन बता देगा। उल्टा पत्रकारों से सवाल पूछते नजर आए, भवन कहाँ है, भवन कहाँ है। वहीं सपा नेता विजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन समारोह करवा कर पैसा खराब कर रहा है। कृषि संकाय भवन का शिलान्यास 2 वर्ष पूर्व हो चुका, दोबारा शिलान्यास करके पैसा खराब कर रहे हैं। स्कूल के छात्रों ने भी आरोप लगाया कि हम ज्ञापन देने जा रहे, मगर पुलिस प्रशासन ने मंत्री के पास नहीं जाने दिया। हमारी तलाशी लेने के बाद भी हमें कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया। आखिर छात्र कॉलेज में नहीं रहेंगे तो क्या राजनीतिक व्यक्ति ही कॉलेज में रहेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन को छात्रों से धक्का मुक्की करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ऐसी बहुत सारी भारत सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, पिछली सरकारों ने शिलान्यास कर दिए, उनको लोकार्पण का अवसर नहीं मिला, जरूरत भी नहीं लगी। उनका काम तो शिलान्यास करना है, जल्दी से फोटो खींचा है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ कृषि संकाय में छात्रों को आने का निमंत्रण दे रहे हैं मंत्री जी, वहीं दूसरी वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि छात्रों को कॉलेज के अंदर प्रवेश से किस तरीके से पुलिस प्रशासन की टीम रोक रही है। छात्रावास से हूँ जी, बता। ऐसे 5 बार पुलिस ने मेरी तलाशी ले ली और मैं एक कुलपति महोदय को ज्ञापन देना चाह रहा था, मुझे स्टेज पे जाने नहीं दिया और प्रशासन ने धक्का मुक्की करा मेरे साथ में, और एक भी कार्यकर्ता बिल्कुल जाने नहीं दे रहे थे। किस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं? इस संबंध में ज्ञापन दे रहा था, ये जो शिलान्यास हो रहा है बच्चों की फीस से हो रहा है। 13 तारीख 8/2019 में पहले से ये शिलान्यास हो चुका है जी, आज ये दोबारा कर रहे हैं, और स्कूल में शिक्षक भी मौजूद नहीं होते हैं, इसके लिए मंत्री जी कोई भी देखभाल नहीं करते हैं। बच्चों की फीस के लिए आए दिन यहाँ पे इन्होंने अड्डा बना लिया है, राजनीतिक अड्डा जिसे कहते हैं। जब आप मंच पर पहुंचे तो आपके साथ क्या हुआ, बताएंगे? मैं मंच पे जाने की कोशिश कर रहा था, मुझे धक्का मुक्की करके बता दिया गया। किन लोगों ने धक्का मुक्की किया? शासन के लोगों ने, एपी लोगों ने और भाजपा के लोगों ने। रोल सर, ये प्रोग्राम हुआ क्या कहना है, शिलान्यास किया है आपने, क्या कहना चाहिए? शिलान्यास हुआ है और इसमें क्या कहना। भवन बन रहा है, कितनी लागत से बन रहा है बता देंगे यहाँ पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, करोड़ों का बजट है। जैसे कि साहब आरोप लग रहा है कि जो है पूजन पहले भी हो चुका है, हमें नहीं पता, पता नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज यहाँ पर रोना चला है भवन, चेयरमैन साहब है, जरूरतमान जरूरतमान रहते हैं, और हम लोग इसके वैसे काली झटके विरोध में नहीं है, लेकिन इसका जो पूजन था वो 23 अगस्त 2019 को हो चुका है, और वो भी जो 2014 में जो ये बिल्डिंग बनी थी उसी के मानक पे हुआ था। आज जो है जो बीजेपी को याद आई है, मेन जो है बीजेपी सरकार जिसे याद आई कि जब चुनाव के जब आचार संहिता लगने के मात्र 15 दिन रह गए तो पूजन किया जा रहा है इस चीज़ का। अगर विधायक जी को या मंत्री जी को ये कॉलेज से इतनी हमदर्दी थी तो कम से कम अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ 1.5 करोड़ इस हिसाब से इसे कुछ गिफ्टी कर जाते तो ये, क्योंकि ये किसानों का कॉलेज कहा जाता है, किसानों ने ही इसे बनवाया था, किसानों ने ही गन्ने का पैसा अपना कटवा के इस कॉलेज का वो किया था जीर्णोद्धार। तो आज विधायक जी को चाहिए था कि कम से कम अपनी निधि से इस पूजन में कम से कम 1 करोड़ रुपए की घोषणा करते, जिससे इस कॉलेज का कुछ उद्धार हो सकता था। इस बात से नहीं है कि 15 दिन चुनाव को रह गए, पूजन हो रहा है, अगर ये बनवाना ही था तो 2019 के पूजन तक क्यों नहीं बनवाया गया, तब भी ये बनवाया जा सकता था, लेकिन उस टाइम कोई गौर नहीं किया। अब सिर्फ एक चुनावी ये उसका वो है, एक एजेंडा है चुनावी कि हमने साहब ये किया, और बीजेपी ने आज तक पूजन किए हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं किया।